तो अभी इस नथ के बिना ब्राइडल मेकअप अधूरा है, सो मैं इसको डालने वाली हूँ अपने नाक में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप मेकअप शेयर करने वाली हूँ। पहाड़ी रिसेप्शन मेकअप लुक ये रहने वाला है मेरा। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए इस तरीके से पार्टीशन करके एक जोड़ा बना लिया है, ठीक है। और ये जो मेकअप है ये पहाड़ी रिसेप्शन मेकअप है, क्योंकि पहाड़ में जो भी ब्राइडल तैयार होती है थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्यूटी पार्लर मिलना। तो क्या होता है, मोस्टली लोग घर पे ही मेकअप करते हैं, तो उसी पर्पज से मैं ये मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। आप पॉन्स का ले सकते हो, निविया का ले सकते हो। इससे क्या रहता है ना, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। ये देखिए, अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे। कोई भी मेकअप का बेस रेडी करने से पहले आपको 1 से 2 मिनट अपने फेस को देने चाहिए, जिससे कि मेकअप अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए फेस के अंदर। अभी हम लेंगे प्राइमर। तो मैंने इंस्टेंट का ये प्राइमर लिया है, 3 in 1। इससे क्या होगा, आपके जो फेस पे पोर्स ओपन है वो क्लोज हो जाएंगे और आपका जो मेकअप बेस है वो अच्छे से टिका रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। जहां पे भी आपको डार्क लगता है ना, वहां पे आप इसको लगा सकते हैं और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आपकी स्किन ज्यादा डार्क टोन में है तो आपको पहले फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आप कंसीलर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे लूंगी फिट मी का फाउंडेशन। कोई भी प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं लेना है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको आपका मेकअप बेस थोड़ा सा ओवर लग सकता है, फाउंडेशन को रब करना स्टार्ट मत कर देना, बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई करना है एंड 2 से 3 मिनट देने होते हैं मेकअप को अब्सॉर्ब होने के लिए स्किन में। 2 से 3 मिनट बाद खुद ही देखोगे आपकी स्किन कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई है और आपका बहुत ही सुंदर मेकअप निकल के ये आएगा इस तरीके से आप करोगे तो। कंसीलर मैंने यहाँ पे इसलिए अप्लाई करा है पहले, क्योंकि जब आप फाउंडेशन और कंसीलर को मिक्स करते हो ना अपनी आईज पे, तो एक ना केकी सा लुक निकल के आता है। आपको अपनी आईज पे एक ही प्रोडक्ट यूज करना है अगर आपको अपना फेस केकी नहीं लगाना है तो। लिप्स आपके ड्राई रहते हैं तो एक अच्छा सा लिप बाम आपको अप्लाई कर लेना है अपने लिप्स पे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। इससे क्या होगा, जो भी आपने फाउंडेशन कंसीलर लगाया है ये पैक हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो काफ़ी टाइम तक टिका रहेगा। और कॉम्पैक्ट को आपको इस तरीके से रब करते हुए नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। सो अभी हमारा बेस रेडी हो चुका है फेस का। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे आप अपना ब्राइडल मेकअप अगर घर पे कर रहे हो ना, तो आपको ना ध्यान रखना है अपनी आईब्रो को ना एक साथ ही सेट करना है।
अगर आप इधर शेप दे रहे हो तो साथ ही साथ आपको इधर भी शेप दे देनी है। इससे क्या होगा, आपकी दोनों आईब्रोज का जो मतलब शेप है एक साथ अच्छे से निकल के आएगा। अगर आप अभी हम आईज मेकअप करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट में से कोई भी लाइट ब्राउन शेड मैं यहाँ से ले लूंगी। आप देखोगे आप कोई भी शेड ले रहे हो उसको ना यहाँ कॉर्नर से लेके अंदर तक जाना है आधी आईज पे। तो इस तरीके से आपको अपना आई शेडो अप्लाई करना है। अभी मैं यहाँ पे लूंगी थोड़ा सा डार्क शेड। अब हमें लेना है ब्राउन का और ज्यादा डार्क शेड। इससे क्या होगा ना, आपकी जो आईज मेकअप है ना वो थोड़ा सा स्मोकी लगेगा। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद कोई भी शिमरी शेड लेके अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंकिश शिमरी शेड लिया है अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। एंड जो ब्राइडल होती है वो ज़्यादातर गोल्डन ही यूज़ करती है, तो मैंने यहाँ पे पिंक किया है। आपको हमेशा लाइट शेड से लेके डार्क शेड की तरफ ही जाना चाहिए आई मेकअप करते टाइम। जब आपको लगे कि आपका आईज मेकअप हो गया है उसके बाद आपको ना यहाँ पे हाइलाइटर लेना है। मतलब आपकी आई शेडो में ही आपको गोल्डन शेड मिल जाएगा और इस तरीके से अपनी आईब्रो को के साइड से लेते हुए ये अप्लाई कर लेंगे। अभी हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। तो ये जो रिसेप्शन मेकअप है इसको आप पार्टी में भी कर सकते हैं। जैसे न्यूली मैरिड जो होते हैं वो पार्टी में भी जाते हैं, पूजा में भी जाते हैं। अगर पार्टी और पूजा में आप जा रहे हो ना तो जो आईलाइनर है उसका जो शेड है आप ना ब्राउन भी ले सकते हो। एंड जो आप लगाओगे ना तो उसकी क्वांटिटी आपको कम लगानी है, मतलब बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा आईलाइनर लगा रही हूँ रिसेप्शन के हिसाब से। जब आप आईलाइनर लगा रहे हो ना आपको ना डार्क ही रखना है। अगर आप लाइट रखोगे तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि आपका आईलाइनर छूट गया है, कहीं कहीं पे आपको डार्क स्टोन में लगेगा। तो आपको ना एक से दो बार अप्लाई कर लेना है जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे एंड काफी टाइम तक आपके रिसेप्शन पे टिका रहे। नहीं तो क्या होगा ना, आप इमोशनल भी होते हो तो हल्का सा आईलाइनर निकल जाता है। बट यहाँ पे मैं ये मैट वाला आईलाइनर ले रही हूँ, ये आप रोगे कुछ भी होगा तो निकलेगा नहीं। या मैंने अपनी दूसरी आईज पे भी आईलाइनर लगा लिया है। अभी ब्राउन शेड लेंगे। ब्राउन शेड को ना अपनी आईज के नीचे इस तरीके से, जिस तरीके से हम आईलाइनर लगाते हो काजल लगाते हैं ना, उस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अभी हम लेंगे काजल। काजल को आपको थोड़ा सा थिक ही रखना है और पूरे आईज पे लगा लेंगे। और आपको ना काजल इस तरीके से लगाना है, इससे क्या होगा आपके अपर साइड में भी लग जाएगा एंड लोअर साइड में भी। दोनों ही साइड अप्लाई कर लेंगे। अब आई शेडो पैलेट में से गोल्डन कलर लेंगे और अपनी आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो अभी अप्लाई करेंगे मस्कारा। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे आईलेसेस। अगर आपको फेक आईलेसेस में इंटरेस्ट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अपने मेकअप को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आराम से। इस तरीके से आपको रख देना है और ये आपको छोड़ देना है।
सो या दूसरी भी मैंने सेट कर ली है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस आपको आईलेशेस के जो कॉर्नर होते हैं ना वो अपनी आईलेशेस के हिसाब से कट कर लेने हैं सीजर से और इनको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। आईलेशेस लगा के आपका जो आईज मेकअप होता है और ज़्यादा इनहेंस होता है, बहुत ही सुंदर आपकी आईज लगती है। अभी यहाँ पे हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर में से मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। वीडियो कट हो गया। जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो ना, मैंने NYV का लिपस्टिक लिया है, जब भी लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो पहले आपको लिपस्टिक से पाउडर बना लेना है, उसके बाद आपको पूरी लिपस्टिक को अप्लाई कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे ये शेड लगा लिया है, मुझे ना थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं इसमें ना हल्का सा ब्राउन शेड मिक्स करूंगी, जिससे कि थोड़ी सी लिपस्टिक बहुत अच्छी सी हमारी उभर के आएगी, क्योंकि ब्राइडल मेकअप जो होता है उसमें लिपस्टिक का मेन रोल होता है। थोड़ा सा आपका लिपस्टिक एकदम से हाईलाइट करे ना तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मेकअप ऑलमोस्ट डन है। जो भी चीजें रह गई हो ना उसमें क्या है ना, वीडियो कट हो गया आई डोंट नो किस तरीके से, और अभी मेरा मेकअप बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ब्लश लगाना है तो आप ब्लश भी लगा सकते हो, मैंने अवॉइड किया है क्योंकि उससे मेरे और पिंकीज चीक्स लगते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मेकअप फिक्सर, स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है। तो सबसे पहले आपको मेकअप फिक्सर अप्लाई करने से पहले ना अपने हैंड पे कर लेना है, क्योंकि ये एकदम से ना आपके एक ही जगह डॉट्स बन के गिर जाएगा। बस जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरीके से हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। और 3 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ दें। बस तुरंत से उसके बाद अपना ज्वेलरी वेयर कर लेते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो या फ्रेंड्स, ये है मेरा रिसेप्शन मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, मेकअप करते टाइम ना जब भी आप न्यूली ब्राइडल हो तो उसके लिए आपको ना सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है, जो कि मैं अभी अपने हस्बैंड से लगाऊंगी। और अगर आप दो दुपट्टे यूज कर रहे हैं ना, जो एक आपके फेरों के टाइम पे चढ़ा है एंड एक जो आपको रिसेप्शन के मेकअप लुक में आपको मिलता है, सो फ्रेंड्स वो आप साइड में ले सकते हैं एंड ये वाला दुपट्टा आप इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। सो हमारा मेकअप लुक बिल्कुल तैयार है। मैंने अपना ये सिल्क साड़ी वेयर किया है। जो पहाड़ी मेकअप लुक होता है ना उसमें मोस्टली लड़कियां ना साड़ी ही पहनती है, लांछा बहुत कम लड़कियां पहनती है। हमारे पहाड़ी लुक में ना साड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस लुक को मैंने साड़ी में ही क्रिएट किया है। कैसा लगा पहाड़ी मेकअप लुक, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। रिसेप्शन का जो टाइम होता है ना, वेडिंग के टाइम पे तो आप ब्यूटी पार्लर अरेंज कर लेते हो, बट रिसेप्शन के टाइम पे सम टाइम आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं होता है, तो आप खुद से इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। सारे ही प्रोडक्ट जो मैंने यूज किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, वहां से आप चेक कर लेना। और अश्विन जी ने मेरे ना मांग में ये सिंदूर भी भर दिया था। आई डोंट नो कि मेरे जो कैमरे में वीडियो है ना वो खुद से डिलीट हो जा रही है, तो ये जो शूट किया था ये भी डिलीट हो गया है। सो ये पहाड़ी मेकअप लुक था मेरा, और आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। थैंक यू।